बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट तो करते हैं कि आप लोग खैरियत से होंगे। हमारे पास भी जो आज हमने 21st हमारे पास लेक्चर है जो कि आज हमने डिस्कस करना है, और हमारे पास चैप्टर नंबर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। आपको पता है 21st लेक्चर इस वजह से क्योंकि हमने पहले जो है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज के सारे किए, तो अब इसी तरह हमने पहले दूसरे चैप्टर के और तीसरे चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अब जो बाकी चंद क्वेश्चन जिनकी जरूरत थी हमें करने की वो हम साथ करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है पहला जो आपके पास 21वां लेक्चर है वो हमारे पास मॉलिक्यूल एंड इट्स टाइप्स। आए जरा पढ़ते हैं इसे। अच्छा, तो पहली बात हमारे पास मॉलिक्यूल क्या होता है, तो मॉलिक्यूल की बात करते हैं। कहते हैं मॉलिक्यूल इज फॉर्मड बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम। तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल बनता है वो कैसे बनता है, एटम्स के कीमियाई मिलाप से वजूद में आने वाली चीज क्या कहलाती है, वो आपके पास मॉलिक्यूल कहलाती है। इसका मतलब जब दो एटम्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं तो उसके नतीजे में आपके पास जो चीज बनती है वो क्या बन जाती है, मॉलिक्यूल बन जाता है। वैसे हम कहते हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस। ये एक जो सब्सटेंस का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है मॉलिक्यूल जो होता है। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करते हैं, मुख्तलिफ एग्जाम्पल है। हीलियम हमारे पास है, फास्फोरस, ओजोन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, HCl, डिफरेंट एग्जाम्पल है हमारे पास जो कि मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल है। जिस तरह हीलियम अभी मैंने कहा हीलियम एग्जाम्पल है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, मुख्तलिफ एग्जाम्पल, ये सारे आपके पास क्या सारे मॉलिक्यूल है। तो सबसे पहले भी ये तो हमारे पास था डेफिनेशन और इसकी एग्जाम्पल्स थी। आए मेन हमारे पास जो काम है और टाइप्स की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टाइप्स की बात करते हैं तो पहली हमारे पास आ जाती है इसकी टाइप, वो हमारे पास मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। भाई क्या होते हैं मोनोटोमिक मॉलिक्यूल? ये मोनो जो है, मोनो का मतलब हमारे पास होता है वन, डाई का मतलब होता है टू, और इसी तरह ट्राई जो है इसका मतलब होता है थ्री, और पॉली का मतलब होता है मैनी। क्योंकि ये जो ये और लैंग्वेज है इसमें ये लिखा हुआ है, अगर हम अपनी लैंग्वेज में से कन्वर्ट करेंगे तो इसी तरह हमारे पास इसके मुख्तलिफ मीनिंग होंगे। होमो का मतलब सेम और हेट्रो का मतलब डिफरेंट। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं। अब हमने कहा मोनोटोमिक मॉलिक्यूल हमारे पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल मेड अप बाय ओनली वन एटम। वो मॉलिक्यूल जो सिर्फ एक एटम से मिलकर बना हो या जो एक एटम पे मिश्रित हो वो हमारे पास कहलाता है मोनोटोमिक मॉलिक्यूल। तो पहले तो मैं डेफिनेशन लिखता हूं, हमने लिखा मॉलिक्यूल मेड अप बाय ओनली वन एटम। ये भी हमारे पास हमने कहा मॉलिक्यूल की वो किस्म जिसमें सिर्फ एक एटम इन्वॉल्व होता है वो हमारे पास कहलाता है मोनोटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल आपके पास हीलियम है, एक ही एलिमेंट है, यानी इसका मतलब एटम एलिमेंट का एक ही है, हीलियम है, नियोन है, आर्गोन है, क्रिप्टोन है, ज़ियोन, रेडोन है। ये हमारे पास जो नोबल गैसेस है 18 ग्रुप रिडेबल का, वो सारे हमारे पास क्या है, वो सारे ही हमारे पास क्या है मोनोटोमिक मॉलिक्यूल है। अगर डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते तो हमने यहां लिखा ना मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ मेड अप बाय ओनली वन एटम्स, तो हम यहां पर लिखेंगे डाई टू का मतलब टू होता है, इसका मतलब लिखेंगे मॉलिक्यूल मेड अप बाय टू एटम्स। वो मॉलिक्यूल जो दो एटम से मिलकर बना वो हमारे पास क्या कहलाता है, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास हाइड्रोजन आ गया, H2, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन N2, HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में एक एटम H का और दूसरा जो Cl का। दीज आर ऑल एग्जाम्पल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो दो एटम पे मुश्किल होगा वो क्या कहलाएगा, डायटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। मजीद हम ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, अभी ट्राय थ्री को कहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल मेड अप बाय थ्री एटम्स, इसका ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल, यानी वो मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलकर बनाओ, या द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ थ्री एटम्स, इसका ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल में वोटर आ जाता है H2O, क्योंकि ये तीन एटम्स मिलकर बना, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है,
उसके बाद हम मजीद एग्जाम्पल की बात करते हैं, एस आई ओ टू सिलिकॉन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा भी काफी ज्यादा एग्जाम्पल है जिनमें क्या है हमारे पास तीन आइटम जो है वो पाए जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सीओ टू। तो ये हमारे पास है पराटोमिक मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल, यानी वो आपके पास मॉलिक्यूल जो तीन एटम से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं, ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल। पॉली का मतलब होता है मैनी। अब पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा, अब हम कहेंगे द मॉलिक्यूल मेड अप बाय मैनी एटम्स, या द मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम। वो आपके पास मॉलिक्यूल की किस्म है जिसमें जो बहुत सारे एटम मिलकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, कितने एटम है आपके साथ, अगर मैं दो हाइड्रोजन के, चार ऑक्सीजन के, एक सल्फर का साथ। इस तरह बात करते हैं ग्लूकोज की बात कर लेते हैं C6H12O6। हम शुगर यानी सुक्रोज की बात कर लेते हैं C12H22O11। ये हमारे पास भी एग्जांपल है, ये हमारे पास एग्जांपल है पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल की, यानी वो मॉलिक्यूल जो के बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं। अब हमने कहा होमो का मतलब क्या होता है, होमो का मतलब होता है सेम। तो क्या लिखेंगे हम, डेफिनेशन लिखेंगे मॉलिक्यूल मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल मेड अप बाय सेम टाइप ऑफ एटम, जो के भाई सेम टाइप ऑफ एटम यानी एक जैसे एटम से मिलके बने हों, जो हमारे पास एक ही एक जैसे एटम से मिलके बने मॉलिक्यूल हम क्या कहेंगे, होमोटोमिक मॉलिक्यूल। अच्छा फॉर एग्जांपल O2, अब इसमें ऑक्सीजन के दो मॉलिक्यूल है यानी O और O, ऑक्सीजन दो मॉलिक्यूल है, सेम एटम से मिलकर बना हुआ हाइड्रोजन है, H2 दो एटम से मिलकर बना हुआ, फास्फोरस P4, ठीक है ये भी हमारे पास अभी हमने याद लिखा फास्फोरस, एक जैसे चार एटम से मिलकर बना हुआ। इसी तरह हम अजोन की बात करते हैं O3 तीन एटम से मिलकर बना हुआ, हम क्लोरीन की बात करते हैं Cl2, यानी ये हमारे पास डिफरेंट एग्जाम्पल है इसके अलावा काफी ज्यादा, जो मॉलिक्यूल एक जैसे एटम पे एक जैसे एटम से मिलकर बना होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। अब हाइड्रो की बात करते हैं, हाइड्रो का हमने मीनिंग लिखा हुआ डिफरेंट, तो हम यहाँ पे इसका इसकी डेफिनेशन ये करेंगे मॉलिक्यूल मेड अप बाय डिफरेंट टाइप ऑफ एटम, यानी जिसमें जो एटम है वो क्या हो, वो डिफरेंट हो, हमारे पास क्या कहलाएगा, हेटरोटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCl दो एटम है, डायटोमिक है ना, तो इसमें दोनों मुतलिफ एटम है, हेटरोटोमिक एग्जांपल में भी इसे लिख सकते हैं। वाटर है H2O दो मुतलिफ एटम से मिलकर बना हुआ है, CH4 मीथेन है डिफरेंट है, अब ये भी हमारे पास हेटरोटोमिक है। उसके बाद और फिल्टर ये ग्लूकोज है, फास्फोरस है, फास्फोरस सॉरी वो तो आ जाएगा इसके होमोटोमिक में, फास्फोरिक एसिड आप आ सकते हो। अब ये देखो भी सल्फ्यूरिक एसिड है, उसके बाद आपको ग्लूकोज सुक्रोज है, ये सारे मुतलिफ एटम से मिलकर बने हुए हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, ये हेटरोटोमिक मॉलिक्यूल कहलाएंगे, क्योंकि हेटरोटोमिक मॉलिक्यूल हमारे पास वो मॉलिक्यूल की किस्म है जो मुख्तलिफ एटम से मिलकर बने होते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था जो हमने आज किया, नौ क्वेश्चन मॉलिक्यूल लैंग्वेज से। आज तो को करता हूँ कि आपको ये सही समझ आ गई होगी, मजीद इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।